हमारे चैनल दी डेयरी फार्मिंग में स्वागत है। मैं दिलखुश बिश्नोई आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि पशु को ऐसा क्या दे जिससे दूध की अधिक प्राप्ति और लागत भी कम हो। तो इसके लिए हमने जौ का चयन किया है। जौ यानी घाट, जिसमें बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये जौ है ना ठंड करती है जिससे पशु वापस हीट में नहीं आता, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम जौ को सही तरीके से उबाल के दें तो पशु के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। तो इसके लिए आइए हम आपको बताते हैं कि जौ का मंटा हमने कैसे तैयार किया। इधर लाइए, इधर ये देखिए, ये इसको देखिए लग, ये हमने इसको ठंडा करने रखा है। तो लगभग हमें इसे अब सर्दी का टाइम है तो हम इसे गर्म गर्म देंगे तभी असर यानी ज़्यादा ये गुणकारी होगा। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं। ये देखिए अब इस केवल इस जौ से तो हमारे पशु को इतने पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इस कारण हम इसमें इसके साथ में हम इसमें गट्टे का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हमारे पास ये गट्टे हैं। देखो ये इसमें मिनरल मिक्सर और सब कुछ मिक्स किया हुआ है, पहले से तैयार किया हुआ मिलता है हमें बाज़ार में। लगभग इसकी रेट भी बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ये लगभग 3-3.5 किलो, ये 3-3.5 किलो, ये और 3-3.5 किलो का ये जो हमने जो वाला मांटा तैयार किया है वो डाल देते हैं। ये लगभग 4 गायों के लिए काफ़ी होगा। मिलेगी ये एकदम, ये भी घुल जाए एकदम अच्छी तरह से। ये देखिए एक मिनट हो बस, ये भी घुल जाएगा। ये लगभग हम इससे घोल सकते हैं अच्छी तरह से, फिर हम इसको 4 गायों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ये देखिए ये लगभग इतना आप गर्म नहीं है, ये पशु के लिए खाने लायक हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये एकदम उबालने पर ये कैसा हो जाता है। ये देखिए बिना उबाली हुई जो है ना वो देखिए कैसे दिखती है, और यही हम आपको जो उबाली हुई है वो ला के दिखाते हैं। ये देखिए ये इसमें, और देखिए कितना उबालने के बाद ये ऐसा हो जाता है जो कि ये अचानक यानी पशु के पाचन लायक हो जाता है, यानी गोबर में ये ऐसा नहीं आ सकता, ये एकदम अच्छी तरह उबल गया। अब हम इसको बाल्टी में डाल देते हैं। ये 4 गायों के लिए ये बहुत है, ये और सर्दी में थोड़ा गर्म ही देना चाहिए जिससे क्या है पशु। तो चलिए अब इसको खिलाते हैं। और आपकी जानकारी के बता दूं, ये जो गट्टा है ना, ये गट्टा तो 20 रुपये किलो मिलता है बाज़ार में, और ये जो जौ है वो 16 रुपये किलो है। तो इससे आपको कोई ज़्यादा यानी फ़ायदा ही होगा। और एक गाय के लिए 1 किलो गट्टे और 1 किलो ये जौ,
बहुत होती है, यानी 2-4 किलो अगर आप पूरे दिन में दें तो आपको पहले की अपेक्षा बहुत दूध की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।